गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने चर्चा की कि कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम को वीन का विकिरण नियम तथा रेलेजिन्स का विकिरण नियम नहीं समझा पाए, क्योंकि ये जो दोनों ही नियम थे वो चिरसम्मत भौतिकी की अवधारणाओं पर आधारित थे। उसके बाद मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने विकिरण की क्वांटम अवधारणा दी। उन्होंने बताया कि कृष्णिका से जो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है वो कृष्णिका में उपस्थित परमाणविक दोलित्रों की ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। जिस न्यूनतम ऊर्जा का विनिमय हो सकता है या एक्सचेंज हो सकता है वो एच न्यू होती है, तथा इसके पूर्णांक गुणज के रूप में प्रमाणिक दोलित्र है वो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कर सकता है। न्यूनतम ऊर्जा, जैसा कि हमने बताया, एच न्यू होती है, तथा दोलित्र की ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो एन एच न्यू के रूप में हो सकता है, जहां एन क्या है, पूर्णांक है। यहां H दुनिया का सबसे छोटा नियतांक, जिसे क्या कहते हैं हम, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। इसकी जो वैल्यू है वो 6.626 इंटू 10^-34 जूल इंटू सेकेंड होती है। आज के लेक्चर में हम कृष्णिका विकिरण और वर्णक्रम में ऊर्जा के वितरण पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कृष्णिका क्या होती है, उसके बाद कृष्णिका विकिरण तथा उसके बाद कृष्णिका के स्पेक्ट्रम में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से होता है, इसकी चर्चा हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कृष्णिका क्या होती है। ब्लैक बॉडी, जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, ये भी एक ब्लैक बॉडी है, लेकिन ये जो बॉडी है, ब्लैक बॉडी है, वो आदर्श ब्लैक बॉडी नहीं है, आदर्श कृष्णिका नहीं है। आदर्श कृष्णिका किसे कहते हैं, कृष्णिका कृष्णिका वह वस्तु होती है जो उस पर आपतित सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरणों का अवशोषण कर लेती है। यानी ये ब्लैक बॉडी है, तो अगर इस पर जीरो से इनफाइनाइट वेवलेंथ के विकिरण आते हैं तो ये जो ब्लैक बॉडी है वो इन विकिरणों का अवशोषण कर लेगी, पूर्णतया अवशोषण कर लेगी। यानी ब्लैक बॉडी का जो अवशोषण गुणांक है वो क्या होता है, एक होता है, क्योंकि सभी तरंग दैर्ध्य का ये अवशोषण कर ले, इसलिए ये बॉडी कैसी दिखाई देगी, ब्लैक दिखाई देगी। आदर्श ब्लैक बॉडी के लिए हम एक स्फेरिकल कैविटी पर विचार करते हैं, जिसकी जो अंदर की जो सतह है उस पर काला रंग कर दिया जाता है, तथा उसकी दीवार में एक छिद्र होता है, यहां काला रंग है वो कर दिया जाता है। यानी अंदर की जो सतह है उसको काली कर दी जाती है। और इसका ताप है वो टी नियत रखा जाता है, और इसकी दीवार में एक छोटा सा जो छिद्र है वो बायोप्रेक्षक के लिए ब्लैक बॉडी की तरह व्यवहार करता है। कैसे कि यहां से जैसे कोई विकिरण आता है, वो इस सतह से टकराता है, तो इसका कुछ अंश है वो अवशोषित हो जाता है, तथा
कुछ भाग इसका क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। जैसे कुछ अंश इसका यहां अवशोषित हो गया, उसके बाद ये विकिरण यहां से परावर्तित होगा, तो कुछ अंश यहां अवशोषित हो गया। इस प्रकार यहां बार बार परावर्तन होने से संपूर्ण जो विकिरण है वो अवशोषित हो जाता है, यानी ब्लैक बॉडी है वो उस पर आपतित सभी तरह तरीके के विकिरणों का पूर्ण अवशोषण कर लेती है। इस प्रकार की जो स्फेरिकल कैविटी है जिसकी अंदर की सतह क्या है, काली कीली होती है तथा उसकी दीवार में एक छोटा सा छिद्र होता है, ये जो छिद्र है वो बायोप्रेक्षक के लिए ब्लैक बॉडी की भांति व्यवहार करता है। कृष्णिका विकिरण को प्राप्त करने के लिए हम स्फेरिकल कैविटी को गर्म करते हैं तथा उसका ताप टी नियत बनाए रखते हैं। जब कैविटी को गर्म किया जाता है तो कैविटी में आंतरिक सतह में उपस्थित जो परमाणु हैं वो विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। ये जो विकिरण है वो दूसरी दीवारों से जाकर के टकराते हैं तथा वहां पर विकिरण का आंशिक रूप से अवशोषण तथा आंशिक रूप से परावर्तन होता है। इस प्रकार कैविटी है वो कुछ समय में विकिरणों से भर जाती है, यानी इसके अंदर जो विकिरण है वो जीरो से लैम्डा तक दैर्ध्य के होते हैं, यानी इसके अंदर सभी प्रकार के विकिरण है वो मौजूद होते हैं। क्योंकि केवीटी का जो ताप है वो नियत है, इसलिए उसमें साम्यावस्था होने के कारण प्रति सेकंड केवीटी की दीवारों से जो विकिरण की ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो प्रति सेकंड विकिरण की दीवारों से अवशोषित ऊर्जा के बराबर होती है। केविटी की दीवार पर उपस्थित एक छोटे छिद्र से ये विकिरण है वो बाहर भी उत्सर्जित होते हैं, और ये जो बाहर उत्सर्जित होते हैं विकिरण उनमें जीरो से लैम्डा वेवलेंथ के सभी प्रकार के विकिरण है वो उपस्थित होते हैं, जिसे हम कृष्णिका विकिरण के नाम से जानते हैं। वर्णक्रम में ऊर्जा का वितरण, या स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लैक बॉडी से जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उनमें सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरण होते हैं। तरंगदैर्ध्य के अलग अलग होने के कारण विकिरणों की ऊर्जा अलग अलग होती है, लेकिन विकिरणों की मात्रा अलग अलग होने के कारण भी ब्लैक बॉडी से अलग अलग तरंगदैर्ध्य पर अलग अलग विकिरण ऊर्जा है वो उत्सर्जित होती है। किसी तरंगदैर्ध्य विशेष पर विकिरणों की ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है उसे जानने के लिए ल्यूमर तथा प्रिंसेम ने सबसे पहले 1899 में इसका प्रायोगिक अध्ययन किया। ल्यूमर तथा प्रिंसेम ने कृष्णिका के भिन्न भिन्न तापों पर कृष्णिका विकिरणों के स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण का अध्ययन किया, यानी स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण का प्रायोगिक अध्ययन किया। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण के प्रायोगिक अध्ययन के लिए ल्यूमर तथा प्रिंसेम ने कृष्णिका के भिन्न भिन्न तापों के लिए
कृष्णिका के भिन्न भिन्न तापों पर स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा तथा विकिरण के तरंग दैर्ध्य लैम्डा के बीच ग्राफ खींचे, जिसे हम स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र के नाम से जानते हैं। यानी ई लैम्डा तथा लैम्डा के बीच खींचा गया ग्राफ या कर्व क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र कहलाता है, ऊर्जा वितरण वक्र कहलाता है, जहां ई लैम्डा क्या है? स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता है। स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन अक्षमता है। इसे हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन अक्षमता को जानने के लिए हम एक ब्लैक बॉडी पर विचार करते हैं। यह मान लीजिए ब्लैक बॉडी है, इसका क्षेत्रफल ए है, तो इस ब्लैक बॉडी की लैम्डा तरंग दैर्ध्य पर उत्सर्जन क्षमता इसके एकांक क्षेत्रफल से, ये मान लीजिए ब्लैक बॉडी का जो क्षेत्रफल है वो एकांक है, इस एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में लैम्डा तरंग दैर्ध्य के संगत जो विकिरणों की ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे हम स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। यानी एकांक समय में, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से लैम्डा के विकिरणों की कुल ऊर्जा स्पेक्ट्रम में कहलाती है। केवल लैम्डा से हम ई लैम्डा की गणना नहीं कर सकते, क्योंकि ई लैम्डा है वो ब्लैक बॉडी से उत्सर्जित लैम्डा तरंग दैर्ध्य के कुल विकिरणों की ऊर्जा है, और लैम्डा तरंग दैर्ध्य के जो विकिरण हैं वो संख्या में कितने हैं उसकी गणना हम प्रयोग के बगैर नहीं कर सकते। हालांकि हम लैम्डा तरंग दैर्ध्य के संगत जो विकिरण की ऊर्जा है वो E बराबर hc / लैम्डा से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये जो विकिरण है जिनकी ऊर्जा इतनी है E बराबर hc / लैम्डा है, ये विकिरण कितने हैं इसकी गणना हम ब्लैक बॉडी के प्रायोगिक अध्ययन से ही कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता क्या होती है? किसी ब्लैक बॉडी से लैम्डा तरंग दैर्ध्य के संगत एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित विकिरणों की कुल ऊर्जा होती है। यानी अलग अलग लैम्डा के लिए ई लैम्डा की वैल्यू है वो अलग अलग होती है। हो सकता है कि तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने पर ई लैम्डा की वैल्यू ज्यादा हो तथा लैम्डा के कम होने पर ई लैम्डा की वैल्यू कम हो। यानी हम दो तरंग दैर्ध्य लेते हैं इसके लिए, लैम्डा 1 तथा लैम्डा 2। ये मान लेते हैं
कि लैम्डा 2 लैम्डा 1 से अधिक है, यानी ये जो तरंगदैर्ध्य है वो उच्चायत्य था, ये तरंगदैर्ध्य क्या है, निम्न है। इसके संगत स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता e लैम्डा 2 है तथा इस तरंगदैर्ध्य के संगत स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता e लैम्डा 1 है। वैसे देखा जाए तो तरंगदैर्ध्य ये उच्च है, इसलिए विकिरण की ऊर्जा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि विकिरण की जो ऊर्जा है वो किससे दी जाती है, e बराबर h नहीं होता है तथा न्यू बराबर क्या होता है, c अपॉन लैम्डा। इस हिसाब से देखा जाए तो इस तरंगदैर्ध्य के संगत, क्योंकि ये उच्च है, इस तरंगदैर्ध्य के संगत जो ऊर्जा है वो कितनी आई, e आई, जिसको हम e2 कह देते हैं। और इस तरंगदैर्ध्य के संगत ऊर्जा की वैल्यू क्या होगी, e1 बराबर क्या आएगा, h nu 1 बराबर hc अपॉन लैम्डा। यहां देखिए आप कि लैम्डा 2 की वैल्यू है वो लैम्डा 1 से क्या है, अधिक है, इसलिए ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी, यानी लैम्डा 1 क्या है, निम्न है, इसलिए e1 की वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी, यानी e1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, e2 होगा। लेकिन ये जो ऊर्जा है जो कि एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित होती है वो इनसे भिन्न है, इनसे भिन्न इसलिए है क्योंकि यहां पर हमने लैम्डा 2 तरंगदैर्ध्य के संगत एक विकिरण की ऊर्जा देखी है, हमें ये मालूम नहीं कि लैम्डा 2 के विकिरण है वो कितने हैं। हो सकता है ये जो विकिरण है जिनकी ऊर्जा क्या है, कम है, मान लो इस विकिरण की ऊर्जा है वो 5 जूल है और इस विकिरण की जो ऊर्जा है वो 10 जूल है, क्योंकि तरंगदैर्ध्य क्या है, कम है, ये तरंगदैर्ध्य क्या है, ज्यादा है, इसलिए इस विकिरण की ऊर्जा क्या है, कम है। तो स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता e लैम्डा 1 ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से विकिरणों की कुल ऊर्जा हो सकती है। हो सकता है कि ये जो विकिरण जो कि प्रत्येक क्या है 5 जूल का है, ऐसे विकिरण ब्लैक बॉडी से जो उत्सर्जित होते हैं वो 500 हो तथा ऐसे विकिरण जो ब्लैक बॉडी से प्रति एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित होते हैं ये 5 ही हो, तो इससे विकिरण की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, एक विकिरण की ऊर्जा है 10 तथा कुल विकिरण कितने हैं 5 ही, इसलिए ऊर्जा की वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। और यहां पर देखा जाए तो विकिरणों की कुल ऊर्जा कितनी होगी, 2500 जूल होगी। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि तरंगदैर्ध्य अधिक है इसलिए स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान क्या होगा, कम होगा। स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता है वो एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में विकिरणों की कुल ऊर्जा से संबंधित है, और ये e लैम्डा 2 है वो e लैम्डा 1 से ज्यादा होगा या कम होगा वो हम तरंगदैर्ध्य देखकर डिफाइन नहीं कर सकते, इसके लिए हमें विकिरणों की संख्या पर भी ध्यान देना होगा। यानी हम ये नहीं कह सकते कि e लैम्डा और लैम्डा के बीच ग्राफ खींचे, e लैम्डा और लैम्डा के बीच ग्राफ खींचे तो ये ग्राफ हो इस प्रकार का होगा, क्योंकि तरंगदैर्ध्य बढ़ रही है इसलिए ऊर्जा बढ़ेगी, ऐसा हम नहीं कह सकते। ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अलग अलग तरंगदैर्ध्य पर ब्लैक बॉडी से उत्सर्जित विकिरणों की संख्या है वो अलग अलग होती है। अब हम ल्यूमर तथा प्रिंसेन ने स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता e लैम्डा तथा लैम्डा के बीच जो ग्राफ खींचा जिसे हम स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं उनको देखते हैं। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र है वो किस किस के बीच खींचा जाता है। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता क्या कहेंगे,
सैटर्नी उत्सर्जन अक्षमता सैटर्नी उत्सर्जन अक्षमता तथा तरंग दैर्ध्य के बीच खींचे जाते हैं। किसकी तरंग दैर्ध्य? विकिरण की तरंग दैर्ध्य। यानी ई लैम्डा तथा लैम्डा के बीच जो ग्राफ खींचे जाते हैं उसे हम स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। ये जो ल्यूमर तथा प्रिंसेप ने वक्र खींचे वो कुछ इस प्रकार के थे। इस अक्ष पर हम तरंग दैर्ध्य लैम्डा ले देते हैं, ये विकिरण का तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा, और इस अक्ष पर हम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा लेते हैं। ई लैम्डा तथा लैम्डा के बीच जो ग्राफ ल्यूमर तथा प्रिंसेप ने खींचे वो कुछ इस प्रकार के थे। ये ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कम था उस समय जो ग्राफ प्राप्त हुआ वो कुछ इस प्रकार का था। ये इससे अधिक ताप पर है, ये मान लो 1000 केल्विन पर ग्राफ है, तो ये मान लेते हैं 1500 केल्विन पर वक्र है। और ये इससे भी अधिक ताप पर जो वक्र प्राप्त होता है वो है। तो इस प्रकार से ई लैम्डा तथा लैम्डा के बीच जो ग्राफ खींचे वो प्राप्त होंगे। यहां स्पष्ट है कि लैम्डा बढ़ने के साथ ई लैम्डा का मान पहले बढ़ता है। वैसे देखा जाए तो लैम्डा बढ़ने के साथ विकिरण की ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए ई लैम्डा का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो विकिरण की तरंग दैर्ध्य की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है? hc / लैम्डा। लैम्डा बढ़ने के साथ E का मान क्या हो जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। लेकिन यहां पहले कम नहीं होता, पहले बढ़ता है। इसका कारण क्या है कि लैम्डा बढ़ रहा है इसलिए प्रत्येक जो विकिरण है उसकी ऊर्जा क्या हो रही है? कम हो रही है। लेकिन ऐसे विकिरणों की संख्या बढ़ रही है, संख्या तेजी से बढ़ेगी तो प्रत्येक विकिरण की ऊर्जा कम होते हुए भी विकिरण अधिक होने के कारण कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी।